अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी, जैसे आप लोगों ने टाइटल पढ़ा कि मेरी वीडियो डिलीट हो गई है, उसकी डिटेल मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले केक से रिलेटेड यानी फोंडेंट से रिलेटेड आप लोगों को मैं बता दूं। बेसिकली ये है वो केक जिसके बारे में मैं काफ़ी परेशान रही कि मुझे 4.5 पाउंड का ऑर्डर था। क्लाइंट ने कहा कि इतना बड़ा केक बनाए 4 पाउंड का और उस पर ढोल भी इतना बड़ा ही रखिएगा। तो मैंने बस वो एकदम कहते ना कि आपका दिमाग नहीं चलता समटाइम, तो मैंने उसको ये बोला कि चलो तुम 4 पाउंड का केक बनवाने के बजाय 1.5 पाउंड का केक बनवा लो और उसके ऊपर मैं ढोल रख दूंगी बड़ा सा, बाकी सर्विंग ग्लासेस ले लो। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं मतलब पूरी मेहनत भी लगी, केक भी बनाया, दुपट्टे भी बनाए, ढोल भी बनाया और फिर 25 सर्विंग ग्लासेस भी बनाए, जो कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। तो उस वक्त ख्याल आया कि मैं मतलब कोई भी मतलब नॉन ईडेबल चीज़ के थ्रू भी ढोल बना सकती थी उसके ऊपर फाउंडेंट रोल करके। तो यहाँ पर ये टॉपर्स ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बना के पहले भी दिखा चुकी हूँ। वैसे जो मैंने टॉपर पहले बनाया है वो तो सिंगल दुपट्टा बनाया था, पर्पल एंड येलो कलर का केक था, इसमें 3 दुपट्टे बनने थे। अब वही ये मेहनत तो पूरी हुई, केक पूरा बना, बस सिर्फ ये था कि एक ढोल ना बनाने के चक्कर में मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और दूसरा मेरी वीडियो भी डिलीट हो गई मुझसे। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही उसका अफसोस हो रहा था कि जिस इतनी ज़्यादा जिस चीज़ पे आप मेहनत करें और फिर वो उसका रिज़ल्ट भी आपको प्रॉपर ना मिल सके और फिर चीज़ें भी आपके अकॉर्डिंगली ना आ जाएँ, तो बस थोड़ा सा दुख होता है। तो ये 3 दुपट्टे डालने थे इसके ऊपर, उसके बाद फिर इस पर ढोल आना था और बाकी सारे फाउंडेंट वर्क होना था। अब बात आती है कि भाई वीडियो कैसे डिलीट हुई। तो हुआ कुछ ये कि भाई मेरे फ़ोन में काफ़ी सारी वीडियोस थी तो फ़ोन काफ़ी हैंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रीवियस वीडियोस जो हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं उन्हें मैं डिलीट कर दूं। और वो डिलीट करते करते समटाइम ऐसा होता है कि बच्चों के साथ हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इस केक इस यानी ये जो टॉपर्स हैं इनकी अटैचमेंट की वीडियो भी बनाई हुई थी मैंने और वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। वो बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, मैंने मतलब पूरा फ्रॉस्टिंग की ऑरेंज कलर की उस केक पे, ऑरेंज कलर वैसे ही बहुत शार्प खिलता हुआ आता है, तो पूरी फ्रॉस्टिंग के साथ वो केक था। देन ये सारे 3 तरह के मतलब 3 दुपट्टे अटैच करना, अब तक मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो कोई नहीं है। तो ये 3 दुपट्टे अटैच करने का पूरा प्रोसेस उसमें था, बेल लगाने का प्रोसेस था, ढोल लगाने का, मतलब ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें उस 2 वीडियोज़ में थी, जो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पास इसका पार्ट ऑलरेडी एडिट पार्ट जो है वो मौजूद है और ये जो इसका मेन पार्ट है वो मैं रिमूव कर दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वीडियोस मौजूद हो गई थी। कि एक वीडियो तो वो होती है नॉर्मली जो हम बना रहे होते हैं और एक वीडियो वो होती है जो हम प्रॉपर एडिट करते हैं, देन इतनी सारी मतलब हर वीडियो के मेरे पास 2 पार्ट मौजूद होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पास इसका ओरिजिनल पार्ट और मतलब एडिट पार्ट मौजूद है, तो गलती से मैंने इसका ओरिजिनल पार्ट ही डिलीट कर दिया जिसका एडिट पार्ट बना ही नहीं था, क्योंकि मैं ये एडिट खुद नहीं करती, मेरा कज़न है जो ये सारी चीज़ें एडिट करता है। मतलब हम 2 लोग हैं, हम पूरा टीम है, प्रॉपर टीम है कि जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं। तो मैं उसको वीडियो सेंड करती हूँ, देन फिर वो मुझे एडिट करके सेंड करता है, मैं उसे फिर वॉइस ओवर करती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसे दोबारा वॉइस ओवर करके सेंड करती हूँ, तो फिर वो चैनल पर अपलोड करता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं उसको ऑलरेडी ये सेंड कर चुकी हूँ और वो एडिट कर चुका है और वो चैनल पर अपलोड कर देगा। जब बारी आई ये टॉपर्स अटैच मतलब वीडियोज़ देख रही थी मैं कि अब कौन सी भेजनी है उसको, और लाइन वाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं हर केक की वीडियो जो है प्रॉपरली लाइन वाइज ही सेंड करूं। तो उस वक्त ख्याल आया कि मुझसे गलती से इसकी वो वीडियो डिलीट हो गई कि जिसमें पूरी प्रॉपर ऑरेंज कलर की फ्रॉस्टिंग थी। मैंने उसमें मेंशन किया था कि मैंने ऑरेंज कलर जो है वो ऑरेंज से नहीं बनाया, 2 डिफरेंट कलर के कम्बिनेशन से बहुत शार्प ऑरेंज कलर बनाया, तो वो भी डिलीट हो गया उसमें सब कुछ ही। और टॉपर्स की अटैचमेंट भी थी, वो भी मतलब 3 तरह के दुपट्टे अटैच करने थे, वो भी मुझसे पार्ट पूरा अटैचमेंट वाला डिलीट हो गया। मैंने फिर उसके बाद 2-3 सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किए ताकि मेरी वो जो डिलीटेड वीडियो है वो रिकवर हो सके, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सकी। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा मेथड पता है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर पता है कि डिलीट की हुई वीडियोज़ किस तरीके से रिकवर करें। अच्छा, मज़े की बात है, मैंने वीडियो नॉर्मली सिर्फ अपने गैलरी में से ही डिलीट नहीं की, मैंने अपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दी। वरना समटाइम ऐसा होता है कि मैं सिर्फ गैलरी से डिलीट कर देती हूँ और फिर बाद में रिसाइकल बिन को मैं अपना क्लियर करती हूँ, लेकिन पता नहीं उस दिन कुछ कहते हैं ना कि परेशानियाँ आती है तो एक ही साथ आती है, तो बस मेरे साथ भी ऐसी कुछ हुआ। मैंने अपनी गैलरी से डिलीट करके फ़ौरन ही रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया, वरना समटाइम ऐसा होता है कि मुझे मेरी प्रीवियस चीज़ें रिसाइकल बिन से मिल जाती हैं जो मैं रिकवर ईजिली कर लेती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी फिर मैंने बहुत सारे मतलब 2-3 यूट्यूब के ऊपर मैंने सर्च किया कि किस तरीके से वीडियोस रिकवर कर सकते हैं, मगर फिर भी वो सॉफ्टवेयर ऐड कर डाउनलोड करने के बावजूद मेरी वो वीडियो रिकवर नहीं हो सकी। तो खैर, बड़ा दुख रहेगा इस बात का।
कि आप जब एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मेरे इस केक पर, इस पूरे ऑर्डर पर मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी, सर्विंग ग्लासेस बनाने के अकॉर्डिंग मेहनत थी, उसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बाकी मैंने ढोल बनाया था, बहुत काफ़ी बड़ा ढोल बनाना था, तो उसमें फाउंडेंट वगैरह कैसे यूज़ की हमने, जो पुरानी फाउंडेंट है वो यूज़ करने का तरीका मैंने बताया था। मतलब 80% काम मैं अपना इस वीडियो का, मतलब इस ऑर्डर का मेंशन कर चुकी थी। जब आपका आउटकम आने की बारी आती है ना, तो वो कहते हैं कि आउटकम से आपको पूरा अपना एक लुक पता चलता है कि हमने क्या काम किस तरीके से किया, और वही पोर्शन मुझसे डिलीट हो गया। खैर, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, मैसेज ज़रूर करके बताइएगा कि किस तरीके से मैं अपनी इस गलती को कवर कर सकूं, और जो बहुत सारी वीडियोस हमारी गैलरी में मौजूद होती हैं, मैं उन्हें किस तरीके से सेव करूं। ये है वो ढोल जो हमने केक पे अटैच करना था, और ये 1.5 पाउंड का केक बना है। इसकी सिर्फ पिक्चर आप लोगों को मैं एंड में दिखा सकती हूँ, जो मैंने केक रेडी किया है। इसकी ढोल की वीडियो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।